एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिसकी स्किन बहुत ही ज्यादा चिपचिपी दिखती है, बहुत ही ज्यादा स्किन डार्क नजर आती है, स्किन पे कालापन है, बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं चेहरे पे, फाइन लाइंस नजर आने लगे हैं चेहरे से, पूरी तरीके से परेशान हो, तो आज का वीडियो बस आपके लिए है। तो वीडियो को फुल वॉच करना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज जो मैं आपके साथ फेस पैक शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देगा, बस कुछ ही दिनों में आपको काफी अच्छा सा अंतर दिखाई देगा। तो बस चलो जान लेते हैं इस होम रेमेडी को, तो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आलू ले लेना है। मैंने क्या किया कि आलू को अच्छे से धो लिया है, छिल लिया है, और उसे मैं यहाँ पे कद्दूकस कर रही हूँ। और ये जो कद्दूकस किया हुआ है ना, अब हम इसे साइड में रखेंगे और एक कटोरी लेके सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हनी, जो कि अच्छी क्वालिटी का हो ताकि हमारे स्किन पर अच्छा वाला रिजल्ट दे सके, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, मतलब आधी चम्मच के करीब आपको ले लेना है बादाम का तेल, और इसमें वापस से मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा ना कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपकी स्किन पे और ज़्यादा ग्लो आएगा, ठीक है। और जो हनी होता है ना वो हमारी स्किन पे चमक बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला हेल्प करता है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे आलू लिया हुआ है ना, जो कद्दूकस किया था, अब इसकी बारी आती है, और एक चम्मच के करीब हमें इसे भी इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप बड़ा अच्छा सा मैजिक देखने वाले हो, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ना तो चलो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। तो जैसे ही आप इसे मिक्स करोगे, एक अलग सा, मतलब आप कह सकते हो लिक्विड टाइप का उसमें से निकलेगा, एक टोनर उसमें से सीरम जैसा निकलेगा, जो कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वाला मैजिक आपको दिखाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ऐड किया, इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है, कोई गुलाब जल ऐड नहीं किया है, आप देख सकते हो इसमें खुद से ये जो इंग्रेडिएंट निकल के बाहर आया है ना, ये सीरम जो है वो बाहर निकल के आया है ना, ये हमारे स्किन पे बड़ा अच्छा सा ग्लो लाता है, हमारे चेहरे के दाग धब्बे को दूर करता है। क्योंकि इसमें मैंने जो लिया हुआ है ना आलू, ये हमारे स्किन पर कितना भी भयंकर वाला पिगमेंटेशन हो, धूप से स्किन काली हो गई हो या फिर झाइयाँ आ गई हो आपके चेहरे पर, तो इसे दूर बड़े अच्छे से कर देता है। इसे आपको क्या करना है कि अच्छे से अपने पहले फेस को वॉश कर लो, और वॉश करने के बाद इसे अपने फेस पे धीरे धीरे से मसाज करो, खासकर जिस एरिया पे आप देखो फेस, जहाँ पे भी आपको झाइयाँ की प्रॉब्लम हो या फिर दाग धब्बे की प्रॉब्लम हो, उस जगह पे आप अच्छे से इसे मसाज कर देना। इससे ना कितनी भी ज़िद्दी झाइयाँ होंगी आपके चेहरे की, बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। पिम्पल्स के मार्क्स जो होते हैं वो हमारे चेहरे पर रह जाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम है ना इससे दूर हो जाएगी। तो बस थोड़ा थोड़ा लेकर के आपको अच्छे से अपने चेहरे पे मसाज कर देना है। मेरे गोद में ना थोड़ा थोड़ा गिर रहा था जब मैं इसे यूज़ कर रही थी, पैट के कर रही थी ना, तो इसलिए तो मैंने एक कपड़ा ले लिया गोद पे, ताकि जो भी गिरेगा वो एक्स्ट्रा कपड़े पर गिरेगा। तो क्या करना है ना कि आपको अच्छे से अपने फेस पर इसे अप्लाई कर देना है। जो भी डार्क सर्कल्स होंगे आपकी आँखों पे, इसे ना ये इतना ज़्यादा बढ़िया है कि आप इसे अपने आँखों पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर चेहरे पे डार्क सर्कल्स आ गया होगा तो वो भी इससे दूर हो जाएगा। अच्छे से आपको मसाज करना है 2-3 मिनट के लिए, और मसाज करने के बाद आपको इसे करीब 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर छोड़ देना है। और इसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो। वॉश करने के बाद आपकी स्किन खुद नज़र आएगी, काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगा। आप इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा तामझाम है नहीं तो बहुत आसानी से आप कर भी लोगे। यहाँ पे जो बच गया था ना, मैंने उसे वेस्ट नहीं किया, मैंने इसे अपने हाथों पे अप्लाई कर लिया है, ताकि हाथों पे भी कुछ अच्छा सा रिज़ल्ट देखने को मिले। धूप से जो हमारी स्किन काली हो जाती है ना, उसमें भी बड़ा बढ़िया सा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि बस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, और जब आप वॉश करोगे तो आपको पक्का ना मैजिक दिखाई देगा। तो चलो मैं वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।